इस वीडियो के अंदर अपन डील करने वाले हैं। एक नई कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी है और रिलीज की गई है NHM यूपी के द्वारा, या यूपीएनसी की, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा है। नई कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी है वो रिलीज की गई है और ये काफ़ी बड़ी वैकेंसी है वो रिलीज की गई है, और जिसके 2024 की पहली वैकेंसी है वो देखने को आपको मिलने वाली है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि 25/1/2024 का यह नोटिफिकेशन है वो UPNHM ने है वो रिलीज किया है, जिसके अंदर आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, सीधी भर्ती है, कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन यानी कि ऑल इंडिया के अंदर है वो किस कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है वो कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन पर हैं, एक्सेप्ट कुछ राज्यों के अलावा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, क्या इसके अंदर CCH वाले फॉर्म भरेंगे या फिर क्या 2019 से पहले के कैंडिडेट भी हैं वो फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। और सबसे पहले बात करते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसी की, तो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगा 5582 की टोटल वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी, जिसमें जनरल कैटेगरी के अंदर है 2233 कैंडिडेट, यानी कि जो 2233 कैंडिडेट हैं वो कैंडिडेट हैं अदर स्टेट के, जो कैंडिडेट हैं वो जनरल कैटेगरी के अंदर काउंट होंगे। तो अदर स्टेट के लिए है जो वैकेंसी है वो कितनी है 2233, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है, काफ़ी बड़ा नंबर है वैकेंसीज का। इसके अंदर बात कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंदर की, जो 5582 के अंदर है वो टोटल 1116 पोस्ट है वो फीमेल्स के लिए हैं वो रिजर्व की गई है। ठीक है, PWD कैंडिडेट के लिए 223 हैं, एक्स सर्विसमैन के लिए 279 है, और डिपेंडेंट ऑन फ्रीडम फाइटर के लिए हैं वो 111 पोस्ट हैं वो रिजर्व की गई हैं। ठीक है, 5582 पोस्ट हैं वो आपको टोटल हैं वो इसके अंदर है वो देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया, तो क्वालिफिकेशन कैंडिडेट हैं वो इसके अंदर हैं वो BSc नर्सिंग कैंडिडेट हों, पोस्ट BSc नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो इसके अंदर हैं अप्लाई कर सकते हैं, GNM कैंडिडेट हैं वो इसके अंदर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और BSc और पोस्ट BSc कैंडिडेट विद CCH कोर्स यानी कि सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ एंड। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इसके जो फॉर्म हैं वो कब से फिलअप किए जाएंगे, तो जो फॉर्म है वो आपको 29/1/24 से 7/2/24 तक है वो फॉर्म है वो फिलअप किए जाएंगे, यानी 29 जनवरी से लेकर 7 फरवरी तक है उसके फॉर्म हैं वो फिलअप किए जाएंगे। मोड क्या रहेगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप की जाएगी। और बात कर लेते हैं सैलरी की, तो सैलरी है वो 20,500 रुपीज है वो सैलरी आपको मंथली देखने को मिलेगी, इसके साथ ही 15,000 रुपये आपको इंसेंटिव बेस्ड है वो भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि रिजर्वेशन पॉलिसी है वो यूपी स्टेट के लिए है वो एप्लीकेबल है, या यूपी जो गवर्नमेंट की रिजर्वेशन पॉलिसी है वो इस पर है वो लागू होगी। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया के, तो एज क्राइटेरिया है वो 21 to 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट हैं वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, इसके अंदर कोई एग्ज़ाम नहीं होगी, विदाउट एग्ज़ाम है वो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो कम्प्लीट किया जाएगा। ठीक है, इसके एंड डायरेक्ट है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू है वो इसके अंदर हैं वो आप अपीयर होंगे या सिलेक्ट हैं किए जाएंगे या रिक्रूट किए जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, डायरेक्ट वैकेंसी है। ठीक है, 5582 काफ़ी लार्ज नंबर पे है ये वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल रही है, और जो भी कैंडिडेट CCS हैं उनके लिए गोल्डन चांस है। ठीक है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो भी कैंडिडेट 2019-20 के बाद के पास आउट हैं तो सभी कैंडिडेट हैं वो इसके अंदर अप्लाई करें और अपना भविष्य है सुनहरा बनाएं। और अब हमारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एवं सभी फ्रेंड्स को है वो एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। ओके, थैंक यू गाइज़।